हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो प्लान है 19 फीट बाई 50 फीट का, ये प्लान है 19 फीट। इस प्लान का चौड़ाई है जैसे कि आप देख रहे हैं, और 50 फीट इस प्लान का गहराई है जो कि इस दीवार से लेकर पीछे की तरफ है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें मैंने फर्नीचर के डिटेल्स भी इसमें इंक्लूडेड किए हैं, इसमें डिज़ाइन करके शो कर रखे हैं। और यहाँ पे ये रोड साइड है, अभी हम रोड पे खड़े हैं, और ये वन साइड ओपन प्लॉट है। इसका जो मुख है दक्षिण दिशा की तरफ है, बाकी तीनों तरफ से दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो बाहर में कोई डोर या कोई विंडो नहीं ओपन कर सकते, लेकिन हमारे घर के अंदर उजाला रहे और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलिए अभी समझ लेते हैं आज का प्लान और देखते हैं आज के प्लान के डिटेल्स को। दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2.5 फीट चौड़ाई है बालकनी की, ये जो पोर्शन है बालकनी का पोर्शन है, जो ब्लू कलर में जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है बालकनी की प्रोजेक्शन लाइन है, जो कि हमारी 50 फीट के बाहर है, 50 फीट के आउटसाइड में है। ये यहाँ पे जो चौड़ाई है 4.5 फीट है, यहाँ पे 2.5 फीट है, और कोने पे फिर 2.5 फीट है। तो यहाँ पे बालकनी कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे घर का जो लुक आए देखने में एक अच्छा लुक लगे। तो यहाँ से अभी हम चलेंगे अपने घर के अंदर। यहाँ पे एक कार पार्किंग भी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक 8 फीट चौड़ा ये लोहे का गेट है जो कि ओपन होगा, तो हमारी जो कार है वो कार पार्किंग एरिया में चली जाएगी। यहाँ पे कार पार्किंग के लिए हमको 15 फीट 1 इंच का स्पेस मिलता है, 15 फीट 1 इंच इसका लेंथ है, और 8 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे एक स्मॉल साइज की जो कार है बहुत आसानी से इसमें पार्क की जाएगी। और इसी के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे गेस्ट रूम भी डिज़ाइन किया गया है। गेस्ट रूम में जाने के लिए बाहर से ही दरवाज़ा है D2, इसके थ्रू हम जाएंगे। तो D2 का जो साइज है 3 फीट बाई 7 फीट का है, और यहाँ पे जो विंडो है 4 फीट बाई 4 फीट का W2 है। तो बाहर से जो रोशनी है वो सीधे हमारे गेस्ट रूम में जाएगी, और इस कमरे से सीधे हम अपने गेस्ट को बाहर से ही अपने गेस्ट रूम में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका साइज मिल जाता है 10 फीट 6 इंच है, और 9 फीट इसका चौड़ाई है, 10 फीट 6 इंच इसका लंबाई है। यहाँ पे सोफे प्लेस किए हुए हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप अपने हिसाब से इसमें और भी अरेंज कर सकते हैं। इसमें 2.5 फीट बाई 7 फीट का एक और दरवाज़ा है D1, जिससे हम अपने घर के अंदर से भी इस कमरे के अंदर आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं। यहाँ पे बाहर में ही एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे डिज़ाइन करने का पर्पज़ यही है कि इस दरवाजे को खोल के हमारे जो गेस्ट हैं वो इस टॉयलेट एंड बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो साइज़ है 6 फीट है इसका लंबाई, और 4 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे D1 है 2.5 फीट बाई 7 फीट का, और यहाँ पे एक वेंटिलेशन है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का। तो जो भी स्मेल होगा, जो बदबू होगा इस टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट एंड बाथरूम के अंदर, वो इस वेंटिलेशन से होते हुए साफ से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। साफ का यहाँ पे जो साइज है 2.5 फीट, यहाँ पे 4 फीट 2 इंच इसका लंबाई है, और 2 फीट 7 इंच इसका चौड़ाई है। तो अभी चलते हैं अपने घर के अंदर इस कार पार्किंग के बाद। अभी ये मेन दरवाज़ा है 4 फीट बाई 7 फीट का घर के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो हमको हल्का एक पैसेज मिलता है 4 फीट चौड़ा यहाँ पे, और सीधे हम एंटर करेंगे अपने डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे डाइनिंग एरिया जो है 7 फीट 5 इंच इसका लंबाई है, और 7 फीट इसका चौड़ाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर रखा है जिस पर 5 से 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे इसी के साथ में यहाँ पे एक ओपन पूजा रूम है। यहाँ पे कोई दीवार नहीं आएगी, दीवार यही है, और यहाँ पे भी एक दीवार आएगी। इस दीवार में ये विंडो फिक्स होगा। विंडो का यहाँ पे साइज है 3 फीट बाई 4 फीट का। तो कार पार्किंग एरिया में जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर जाएगी, इस डाइनिंग एरिया के अंदर भी जाएगी, और इस जगह का इस्तेमाल है जो हम पूजा रूम कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको सूर्य भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे पूजा रूम ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसी के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक कमरा मिल जाता है इस डाइनिंग एरिया के सामने ही। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है 10 फीट बाई 10 फीट का ये कमरा है। यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड प्लेस कर रखा है। इसमें 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है। इसके लिए जो विंडो है इस वाली दीवार पर है, साफ्ट वाली वॉल पर है। इसका जो साइज़ है 2.5 फीट बाई 4 फीट का, यहाँ पर बड़ा विंडो आएगा। इस साफ्ट के अंदर जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रहेगा, और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता रहेगा। तो अभी आ जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया से अपने लिविंग हॉल में। यहाँ पे एक लिविंग हॉल भी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इसका जो साइज़ है 17 फीट 10 इंच इसका लेंथ है, और 17 फीट 10 इंच इसका लंबाई है, और 7 फीट 4 इंच इसका चौड़ाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 सोफे प्लेस कर रखे हैं, एक यहाँ पे टेबल भी है। यहाँ पे भी 2 सोफे प्लेस कर रखे हैं 2 फीट बाई 4 फीट के। ये जो सोफे हैं 2 फीट बाई 6 फीट के, यहाँ पे 2 सोफे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा हॉल मिल जाता है, लिविंग एंड हॉल मिल जाता है। इस पर पूरी फैमिली आराम से यहाँ पे बैठना चाहे तो एक साथ में बैठ सकती है। यहाँ पे इसी के हॉल से ही हमारी जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि यहाँ से सीढ़ी का जो चौड़ाई है 2 फीट 10 इंच है।
इसमें जो ट्रेड डिज़ाइन किया गया है जिस पर अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है और 7 इंच का इसमें राइजर है। तो यहाँ तक जब तक हम पहुँचेंगे तो यहाँ तक हमको 16-17 स्टेप मिल जाएंगे और यहाँ पे हम अपने फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमको हाइट मिल जाएगी 4 फीट। इसके नीचे भी हमको काफ़ी स्पेस मिलेगा, इसके नीचे भी हम चाहें तो यहाँ पर कुछ भी सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने सोफा प्लेस कर रखा है। यहाँ तक आएँगे तो यहाँ पर हाइट लगभग 10-11 फीट की हाइट मिल जाएगी, तो इसके नीचे भी सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपने कमरे के अंदर। यहाँ पे हॉल से ही अपने कमरे के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे एक कमरा मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो साइज़ है इसमें D2 दरवाज़ा डिज़ाइन किया गया है, इसमें 3 फीट बाई 7 फीट का। यहाँ पे एक विंडो है जो कि इस स्टेयर वाली वॉल पे है, तो स्टेयर के जब यहाँ पे 2.5 फीट की ऊँचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर जो एक विंडो मिल जाता है 4 फीट बाई 4 फीट का, तो इस वाली दीवार पर एक विंडो आ जाएगी जिससे बाहर से जो रोशनी आएगी सीढ़ी की तरफ से वो इस कमरे में हमारे जाएगी। यहाँ पे 12 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पे कमरा है जो कि स्टैंडर्ड साइज का कमरा है। यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड प्लेस कर रखा है और टेबल और चेयर भी है ताकि आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं और भी चीज़ों को आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए अपने हॉल से। हॉल से अभी चलते हैं अपने किचन के अंदर। तो किचन का जो साइज़ है 7 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है और 12 फीट इसका लंबाई है। तो यहाँ पर एक बड़ा किचन मिल जाता है। किचन की स्लैब पर यहाँ पर गैस स्टोव प्लेस कर रखा है और यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए सिंक भी लगा रखा है। इस कॉर्नर पे आप यहाँ पे फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए जो विंडो है ये हमारे हॉल वाले पोर्शन में ओपन होता है। 3 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे विंडो है जिससे बाहर से जो रोशनी आएगी सीढ़ी की तरफ से वो इस विंडो से हमारे इस किचन के अंदर जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्लान से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में पूछें। तो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें वॉल साइजेस की। तो जो इसमें दीवारें हैं वो सारी 9 इंचेस की डिज़ाइन कर रखी हैं जो कि इस साइड के सारे जो दीवारें हैं बाकी ये तीनों तरफ की। इस साइड में यहाँ पे इनका अपना ही प्लॉट है, हमारे जो क्लाइंट हैं इनका अपना प्लॉट है। यहाँ पे घर बन चुका है तो इसके लिए यहाँ पे ये 5 इंच की दीवार इसमें डिज़ाइन की गई हैं और इधर में भी दूसरों की ज़मीन है, यहाँ पर भी दूसरों की ज़मीन है। तो यहाँ पर आगे वाली जो दीवार है वो भी 9 इंच की है और यहाँ पर लेफ्ट साइड की और पीछे की जो दीवार है वो 9 इंच की है और घर के अंदर की सारी जो दीवारें हैं वो सारी 5 इंच की इसमें डिज़ाइन की गई हैं। तो अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप का जो नंबर है इस वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।